अस्सलाम वालेकुम, आज मैं जा रहा हूँ अपनी वैक्सीन का सेकंड डोज लगवाने के लिए। लेट तो काफ़ी हो गया है, डेट तो इसमें 5 थी, तो फिर भी चलते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिएगा। गाइस, हॉस्टल में पहुंच चुका हूं। आई होप कि रश ना हो, सुबह के टाइम आया हूं तो उम्मीद की जा सकती है रश ना मिले हमें। तो चलो चलते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका है, चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर और देखते हैं कितना रश है। अब ये कह रहा था कि ये वाली वैक्सीन अभी तक आई नहीं है सेकंड डोज, फिर भी अंदर जाके देखते हैं कि डोज आया है कि नहीं आया। यार, वैक्सीन की हो गई शॉर्टेज। जो मुझे वैक्सीन लगी है उसका नाम है साइनोफार्म, तो वो कह रहे हैं अभी शॉर्ट है, अवेलेबल नहीं है, तो 2-3 दिन में आ जाएगी। तो देखते हैं सांगड़ के हॉस्पिटल में अगर हमें मिल जाए तो वहाँ से जाकर लगवाते हैं। चलें चेक करते हैं सांगड़ का हॉस्पिटल। सांगड़ के सिविल हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं, अब उम्मीद है कि यहाँ पे वैक्सीन मिल जाएगी हमें, तो हम लगवाएं वैक्सीन, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं। Few moments later. यार, सांगड़ में भी वैक्सीन शॉर्ट है। उन्होंने बोला है 5-6 दिन तक आ जाएगी, इसका मतलब कि पूरे पाकिस्तान में शॉर्ट होगी। तो ये काम तो नहीं हुआ, तो दाढ़ी भी काफ़ी बढ़ गई है, बाल भी काफ़ी बढ़ गए, तो ईद भी आने वाली है। चलो ये काम पहले करते हैं, वैक्सीन वाला काम ईद के बाद से ही। मैंने आपका भाई, अगर अच्छा लग रहा है तो बता देना कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पर नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।